डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगान पार्लियामेंट के स्पीकर मीर रहमान रहमानी कहते हैं कि दौरे का मकसद ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना है। मैं अफगानिस्तान के कायम मकाम सफीर रहीमुल्ला कतरा की तरफ से अफगान पार्लियामेंट के स्पीकर मीर रहमान रहमानी और अफगान पार्लियामानी वफद के एजाज में जोहराना दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का कहना था कि अफगानिस्तान बिरादर इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस खित्ते में अमन के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए, नजदीक आए हम दोनों बरादर ममालिक, और इस खित्ते में अमन के लिए इस टाइम पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अफगान पार्लियामेंट के स्पीकर मीर रहमान रहमानी का कहना था कि पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें अच्छी रही, दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना है। पाकिस्तान مشکلات ویزه هموطنان ما و همچنان مشکلات تجاری ملی ما जोहराना में स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, चेयरमैन इस्लामी निजराती कौंसल डॉक्टर किबला अयाज, मेंबर इस्लामी निजराती कौंसल अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामा।